पोलिनेशन बाय वॉटर इज कॉल्ड हाइड्रोफीली ठीक है जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि इंसेक्ट्स अगर पोलिनेशन करवा रहे हैं तो उसको हम लोग एंटीमोफीली बोलते हैं बट इफ़ पॉलिनेशन इज डन बाय वॉटर देन उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफीली तो ये एक वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है आप लोग इसको याद रखना देन ये जो पॉलिनेशन होता है थ्रू वाटर सो ये कौन कौन से प्लांट्स में कौन कौन से फ्लावर्स में देखने को मिलता है सो बेसिकली इन आवर बुक ये दो एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं मीन्स इनका नाम वेलिसनेरिया एज वेल एज हाइड्रिला तो इनका पिक्चर मैं यहाँ साइड में दे दूंगी आप लोग देखना और आप लोग जब पिक्चर को देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ हम लोग ये सब प्लांट्स को ऑलरेडी देख चुके हैं सो वेलिस्टेरिया एंड हाइड्रेला मीन्स यही दो प्लांट्स है या हाँ और भी होंगे बहुत सारे प्लांट्स बट आपके बुक में नॉर्मली ये दो फ्लावर्स का नाम दिया है तो ये दो फ्लावर्स है जिनमें हम लोगों को पॉलिनेशन दिखेगा विच इज गोइंग ऑन और विच इज गोइंग विद द हेल्प ऑफ वाटर और विच इज टेकिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर ओके सो देखो यहाँ पर होता क्या है मेनली वाटर बॉडी रहेगा और पॉलिनेशन uh, के लिए हम लोग को पता है कि वी नीड मेल फ्लावर एज वेल एज फीमेल फ्लावर तो यहाँ पर मेल फ्लावर एज वेल एज फीमेल फ्लावर या फिर आप बोल सकते हो मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट दोनों यहाँ पर रहेंगे सो जो मेल प्लांट जो रहता है वो नॉर्मली थोड़ा पानी के अंदर मिस वाटर के नीचे में ना वो सबमस्ट करके रहता है सब का मतलब होता है पानी के अंदर रहना सो मेल प्लांट जो होता है वो नॉर्मली पानी के अंदर में प्रेजेंट रहता है अब मेल प्लांट क्या करता है ना जब फ्लावर मच्योर हो जाता है तो फ्लावर वहाँ से वो रिलीज कर देता है मीन्स वो जो फ्लावर है वो जो फूल होगा मेल प्लांट का वो ऊपर आ जाता है सो वो लोग वहाँ पर तैरते रहते हैं मीन्स वाटर बॉडी के सरफेस में देखो ये सरफेस है पानी के ऊपर को हम लोग सरफेस बोलते हैं तो सरफेस के ऊपर में वो आराम से फ्लोट करता रहेगा ये चीज़ होगा देन फीमेल फ्लावर का भी देख लेते हैं हम लोग जो फीमेल फ्लावर है उनमें नॉर्मली ना हम लोग को लॉन्ग स्टॉक देखने को मिलता है ये जो लंबा सा चीज़ दिख रहा है ना जो नॉर्मली हम लोग इसको यहाँ पर स्टॉक बोलेंगे एंड फीमेल फ्लावर्स मेनली मीन्स वाटर के ऊपर सरफेस में रहते हैं है। मीन्स उनका देखो ये जो पार्ट है जो फ्लावर जो है उसका मेनली वो वाटर के सरफेस के ऊपर में है स्टॉक नीचे में है अभी देखो ध्यान देना मेल फ्लावर क्या कर रहे हैं अभी वो लोग तो मस्त तैर रहे हैं दे आर फ्लोटिंग तैर तैर के तैर तैर के वो लोग जा रहे हैं जैसे ही उनको फीमेल फ्लावर मिलती है तो वो लोग क्या करते हैं ना अपना पॉलन ग्रेन्स बिकॉज हम लोगों को पता है कि मेल फ्लावर्स में क्या प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं एंड पोलन ग्रेन्स लोग जाते हैं एंड स्टिग्मा में मीन्स फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा में वो लोग लैंड हो जाते हैं और जैसे ही पॉलन ग्रेन्स एज वेल एज स्टिग्मा कॉन्टेक्ट में आएंगे So, हो गया पॉलिनेशन, सो पॉलिनेशन बाय वाटर ऐसे होता है एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि कौन कौन से फ्लावर्स हैं जिनमें हम लोग को इस टाइप का पॉलिनेशन देखने को मिलता है सो द एग्जाम्पल्स आर वेलिसनेरिया एज वेल एज हाइड्रिला। आप लोग थोड़ा और उसको सर्च कीजिएगा मुझे बताइएगा कि और कौन कौन से फ्लावर्स हैं जिसमें हम लोगों को इस टाइप का पॉलिनेशन देखने को मिलता है देन जो सेम चीज़ है जो जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ सेम थिंग इज रिटर्न हियर ऑन द बोर्ड तो आप लोग थोड़ा देखो यहाँ पर मैं क्या लिखी हूँ सो मेल फ्लावर्स ऑन मच्योरिटी मीन्स जो मेल फ्लावर्स है पहले मैं बताई वो लोग कहाँ रहते हैं दे आर सबर्ज इन वाटर पानी में वो थोड़ा अंदर अंदर वो रहते हैं जब वो लोग मच्योर होते हैं मीन्स जब उनका ऐसा होता है कि एंथर आराम से पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर सकता है दैट मीन्स अब वो लोग मच्योर हो गए हैं सो अन मच्योरिटी दे गेट्स डिटेस्ट जब वो लोग मच्योर हो जाते हैं ना तो वो लोग डिटैच हो जाते हैं डिटैच होता है अटैच का ऑपोजिट तो अगर किसी को नहीं पता था मीनिंग ऑफ डिटैच मीन्स अटैच का ऑपोजिट तो वो लोग फूल से अलग हो जाते हैं अलग होने के बाद दे फ्लोट ऑन द सर्फेस दे फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर वाटर के सर्फेस में लाइक like दिस वो लोग फ्लोट करते हैं देन फीमेल फ्लावर्स टू फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि जो फीमेल फ्लावर है वो लोग भी वाटर के सर्फेस में फ्लोट कर रही है

तो पॉलिनेशन बाय एनिमल्स तो ये तो देख के ही हम लोग को समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पर पॉलिनेशन इज डन बाय एनिमल्स सो कौन कौन से एनिमल्स है जो कि पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं सो एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन हियर यू कैन सी स्क्विरल मीन्स गिलहरी बैट एज वेल एज बर्ड्स सो ऐसे बहुत से बहुत टाइप के एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं इन पॉलिनेशन बाय एनिमल्स सो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि पॉलिनेशन बाय एनिमल्स में एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कौन होता है सो so, उसका आंसर होगा एनिमल्स सो एनिमल्स में आप किसी का भी नाम लिख सकते हो सो so, देखो यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है देखो हम लोग को पता है कि बर्ड्स ये सब एनिमल्स लोग जितने भी हैं ये लोग अपने खाना की खोज में यहाँ वहाँ जाते हैं ठीक है सो so, ये लोग अगर एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाएंगे तो हम सबको पता है कि ऑब्वियसली ये लोग फ्लावर के कांटेक्ट में आएंगे ऑब्वियसली आएंगे ये लोग व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द फ्लावर ठीक है सोच so, लो ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर के कांटेक्ट में कोई भी एक एनिमल आया सोच so, लो ये एक बर्ड है ओके okay, ये एक बर्ड है लाइक like, दिख रही होगी बर्ड सो so, ये एक बर्ड है ये एक फेस फ्लावर के पास में आई है तो so, जब ये बर्ड इस फ्लावर के पास में आएगी तो ये फ्लावर के पास पोलिन ग्रेन्स होंगे वो पोलिन ग्रेन्स क्या करेगा इसके बॉडी में ऐसे स्टिक हो जाएगा क्यों स्टिक होगा बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये फ्लावर है चिड़िया अगर उसके पास आई है तो उसकी बॉडी में लगना वो तो कॉमन सी बात है अभी सोच लो वो चिड़िया की पूरे बॉडी में वो पोलिन ग्रेन्स लग गए हैं अब वो बर्ड उड़ के कोई दूसरे फ्लावर के पास गई है ये बर्ड उड़ी उड़ उड़ के उड़ उड़ के, उड़ उड़ के ये एक दूसरे फ्लावर के पास पहुंच गई ये फ्लावर में जो स्टिग्मा होगा हम लोगों को पता है कि स्टिग्मा में ही पॉलिन ग्रीनस लैंड करेंगे तो ही पॉलिनेशन होगा तो ये बर्ड यहाँ से उड़ के गई और सोच लो यहाँ पर आके बैठी जब वो यहाँ आके बैठी या कुछ भी वहाँ से निकल रही थी तो उसके बॉडी के पॉलिन ग्रीनस लोग निकल के इस में गिर जाते हैं लैंड कर जाते हैं एंड हो गया पॉलीनेशन तो हम लोगों को पता है यस कि पॉलिनेशन में वैन पॉलन ग्रेन्स वेन दे लैंड ऑन स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स जो कि मेल पार्ट निकालता है जब वो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा में लैंड होता है तो ही जाके पॉलिनेशन होता है अगर ये बर्ड का बर्ड के बॉडी में जो पॉलन ग्रेन्स लगे थे सोच लो वो जाके फूल के पैटल्स में जाके लग गए लैंड हो गए वहाँ पॉलीनेशन नहीं होगा अगर वो स्टिग्मा में लैंड करेगा तो ही पॉलीनेशन होगा सिमिलरली जैसे मैं आप लोगों को बड़ का बताई वैसे बैट का भी होता होगा वैसे स्कूल uh, और बाकी जितने भी एनिमल्स इसमें इन्वॉल्व है वो सब भी इसी टाइप से ही पॉलिनेशन कराने में मदद करते हैं सो फॉर दिस आई हैव रिटन हियर दैट पॉलन ग्रेन्स पॉलन ग्रेन्स स्टिक टू द बॉडी ऑफ दिस एनिमल जब ये एनिमल्स लोग खाना की खोज में जाते हैं सो पॉलन ग्रेन्स ये एनिमल्स की बॉडी में स्टिक कर जाता है डिपॉजिट हो जाता है लग जाता है चिपक जाता है देन <coughs> ये एनिमल लोग दूसरे फ्लावर में जब जाते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि एक ही फ्लावर के चारों तरफ ये लोग खाना के लिए घूमेंगे नो no, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर से तीसरे फ्लावर ये लोग जाते रहते हैं तो जब ये लोग दूसरे तीसरे फ्लावर में जाते हैं तो उनके बॉडी में जो पॉलन ग्रेन्स रहते हैं वो वहां पर ड्रॉप हो जाता है और ड्रॉप होगा तो किधर ड्रॉप होगा वो ये चीज याद रखना स्टिग्मा में अगर स्टिग्मा में ड्रॉप नहीं होगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा अगर स्टिग्मा में ही ड्रॉप होगा तो पॉलिनेशन इज सक्सेसफुल ऐसे माना जाएगा सो so, ये था अबाउट पॉलीनेशन बाय एनिमल्स सो पॉलीनेशन बाय एनिमल्स भी इंपॉर्टेंट है बाकी जितने भी हैं सब इम्पॉर्टेंट है तो सब में आपको क्वेश्चन पूछ पूछ सकते हैं कि पॉलीनेशन बाय विंड में क्या एजेंट होता है पॉलीनेशन बाय वाटर में क्या एजेंट होता है एटसेट्रा एटसेट्रा नाउ इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन चलो उसको पढ़ते हैं सो फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स कि ये हमेशा पॉलिनेशन के बाद ही होगा पॉलिनेशन फर्स्ट स्टेप है उसके बाद है फर्टिलाइजेशन सो पॉलिनेशन में हम लोग पढ़े थे कि पॉलिन ग्रीन आके लैंड हो रहा था स्टिग्मा में उतना हो गया उसके आगे जो होगा दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन सो लेस सी कि इसमें क्या है ये भी काफ़ी सिंपल टॉपिक है तो देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे सो इन फर्टिलाइजेशन मेनली मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज विथ ईच अदर फ्यूज मतलब होता है कंबाइन करना क्या मिक्स करना सो द फ्यूजन ऑफ फ्यूजन मीन्स कंबाइन करना या मिक्स करना द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन सो सिंपल फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन अब आप लोग बोलोगे कि मेल गैमेट तो न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए एज वेल एज फीमेल गैमेट तो ये होता कहाँ है सो so याद रखना देखो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ मेल गैमेट इज फाउंड इन पॉलन ट्यूब पोलन ट्यूब भी आप लोगों के लिए न्यू है तो मैं बताऊंगी वो कहाँ रहता है सो so, इतना याद रखना कि मेल गैमेट एक सेल जैसा होता है सेल आप लोग को पता होगा बायो आप लोग पढ़ रहे हो जिसका वीडियो में भी बहुत जल्दी बनाऊंगी सो so, मेल गैमेट प्रेजेंट होता है पॉलन ट्यूब में अब यहाँ पर ये वर्ड आ गया है पॉलन तो याद रखना कि ये पॉलन ग्रेन से ही रिलेटेड है पॉलन ग्रेन कौन प्रोड्यूस किया था एंथर प्रोड्यूस किया था मेल पार्ट so male gamete is found in pollen tube and if female gamete के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो female gamete present होता है ovule में कहाँ present होता है ovule में ovule आप लोगों को पता है कि कहाँ present है देखो जैसे कि मैं वापस एक बार यहाँ पर ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर बनाई हूँ ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हों सो फीमेल पार्ट में हम लोगों को पता है कि सबसे पहले स्टिग्मा होता है सबसे ऊपर देन स्टाइल होता है ये बीच वाला पार्ट देन नीचे जाएंगे सो so, हम लोगों को यहाँ पर ये यह ओवरी एंड ओव्यूल देखने को मिलेगा सो so, ये अंदर में जो दिख रहा है ओव्यूल ये पार्ट सो so, यहाँ पर आप लोगों को ये गोल गोल सा कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहा है राउंड स्ट्रक्चर्स यही ओव्यूल होता है इसी के अंदर में होता है फीमेल गैमेट मतलब सेल एक तरफ से बोलोगे तो इसी के अंदर में ही हम लोगों को फीमेल गैमेट मतलब वो सेल देखने को मिलेगा सो मेल गैमेट इज फाउंड इन पॉल ट्यूब एंड फीमेल गैमेट इज फाउंड इन और इज प्रेजेंट इन ओव्यू यू वन मार्क क्वेश्चन है एंड इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट दिस टू पॉइंट आर वेरी इम्पोर्टेंट देन यहाँ पर देखो अब होगा क्या बिकॉज ये प्रोसेस बहुत बच्चे लोगों को लगता होगा इतना टिपिकल डिफिकल इतना डिफिकल्ट है बट इतना डिफिकल्टे नहीं है <coughs> देखो सो so, अगर हम लोगों को स्टडी करना है अबाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन सो वी हैव टू सी द फीमेल पार्ट फीमेल पार्ट में एक बार फिर से यहाँ पर बना दी हूँ पॉलिनेशन में क्या होता है थोड़ा याद करते हैं पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स आया कैसे भी आ सकता है उड़ के आ सकता है या एनिमल्स उसको लेके आए हैं और वो आके कहाँ लैंड करता है वो लैंड करता है स्टिग्मा में ये कौन सा पार्ट है ये है स्टिग्मा ओके okay. जब पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स लैंड करेंगे उसमें से कुछ ही या फिर बोलोगे तो एक ही पॉलन ग्रेन होता है जो कि बड़ा होगा वहाँ पर वो ग्रो करेगा और पोलिन ग्रेन्स जब ग्रो करते हैं ना तो वो लोग ना अपना एक ट्यूब ऐसे रिलीज करते हैं ट्यूब निकालते हैं धीरे धीरे एक बार में वो लोग लो ग्रो नहीं करते हैं जैसे कि किसी को भी अगर बड़ा होना रहता है तो वो क्या सडनली बड़ा हो जाता है नहीं ना इट टेक्स टाइम सो यहाँ पर भी जो पोलिन ग्रेन्स प्रेजेंट है वो लोग ना धीरे धीरे करके बड़े होंगे और वो लोग लो बड़े कैसे होते हैं सोच लो ये पोलिन अगर ग्रेन है तो इसका ना ट्यूब निकलता है ऐसे ट्यूब निकलता है सो ये धीरे 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 करके ट्यूब लंबा होता है लंबा हो रहा है मतलब पॉलन ग्रेन्स डेवलप कर रहे हैं पॉलन ट्यूब बन रहा है अब ये पॉलन ट्यूब जाएगा किधर सो ये पॉलन ट्यूब अभी स्टिग्मा में है तो ये स्टिग्मा से धीरे धीरे स्टाइल तक पहुँचेगा बीच वाला पार्ट को क्या बोलते हैं इसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं सो so, यहाँ से ये धीरे धीरे करके ये नीचे नीचे ग्रोथ करेगा और ये कहाँ जाएगा इसको जाना है ओव्यूल के पास कहाँ जाना है इसको ओव्यूल के पास तो आप लोग बोलोगे मैडम ये तो यहाँ से नीचे नीचे ग्रो करके डायरेक्ट वो यहीं पर ओव्यूल के पास चला जाएगा यही तो ओव्यूल है तो ऐसा नहीं होगा ओव्यूल में ये एंटर करेगा इस वे से यहाँ से वो जाके ग्रो करके नीचे तरफ से वो ओव्यूल में एंटर करेगा बिकॉज यहाँ पर एक पॉइंट होता है जहां से वो एंटर कर सकता है आप लोग उसके बारे में बाद में पढ़ोगे सो पॉलन ग्रीन डेवलप करवाते हैं पोलन ट्यूब पॉलन ट्यूब डिसेंट्स डाउन पॉलन ट्यूब नीचे नीचे ग्रो करता है थ्रू द स्टाइल एंड इवेंचुअली इट रीचेज टू ओव्यूल ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है फीमेल गैमेट पॉलन ट्यूब देखो मैं बोली थी पॉलन ट्यूब के बारे में पढ़ोगे जिसके अंदर में क्या प्रेजेंट है मेल गैमेट सो पॉलन ट्यूब मेल गैमेटिक सेल लेके आ रहा है पॉलन ट्यूब वो सेल जा रहा है किसके पास ओव्यूल के पास ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है फीमेल गैमेट बस यहां पर देखो मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे हो गया फर्टिलाइजेशन सो so, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन जिसमें क्या होता है पॉलिन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेट्स वो लोग कंबाइन होंगे वो लोग फ्यूज होंगे किसके साथ फीमेल गैमेट के साथ जो कि कहाँ प्रेजेंट है ओव्यूल के अंदर में बस सो so, ये यहाँ पर जाएगा, जाएगा 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 नीचे एंटर करेगा और अपना सेल को यहाँ पर रिलीज कर देगा तो उसका सेल और ओव्यूल के अंदर में जो फीमेल गैमेट है वो लोग फ्यूज़ होकर क्या बनाएंगे मिन्स क्या बनाएंगे वो तो बताऊंगी बट वो लोग फ्यूज होंगे तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन अब वही क्वेश्चन वो लोग क्या बनाएंगे जब वो लोग फ्यूज होते हैं ना मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं दे फॉर्म अ सेल वो लोग एक सेल बनाते हैं उस सेल का नाम पड़ जाता है जयगॉट उस सेल को हम लोग बोलते हैं जयगॉट तो इसको आप लोग याद रखना कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है उसको क्या बोलते हैं सो दैट इज कॉल्ड जयकॉड सो दिस वॉज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन बट खत्म नहीं हुआ है अभी भी बहुत सारी चीज़ बचा है फर्टिलाइजेशन में जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन हो गया जयकॉड बन गया सो so, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है सो so, हम लोग को पता है कि फीमेल पार्ट में ये चीज़ प्रेजेंट है मीन्स ये बाहर वाला पार्ट इज कॉल्ड ओवरी एंड उसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है ऐसे ही मैं एक बार बना रही हूँ दिस इज ओपयोग एंड दिस वन इज ओवरी तो आप लोग याद रखना ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी का क्या होता है क्योंकि देखो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना तो फ्लावर का ना बहुत सारा पार्ट निकल जाता है गिर जाता है झड़ जाता है उसमें से ना ये जो स्टाइल और मैं स्टिग्मा बनाई थी ना वो पार्ट भी गिर जाता है मतलब सूख के वो चीज़ फॉल ऑफ हो जाता है सो so, अब ये पार्ट बज गया सो so, ओवरी धीरे 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 कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ फ्रूट मीन्स फल में कन्वर्ट हो जाता है ओवरी एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड ओव्यूल्स अंदर वाला पार्ट वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है एंड ओवरी जो उसके बाहर का पार्ट है वो बदल जाता है फ्रूट में वैसा ही कुछ फ्रूट जो हम लोग खाते हैं मीन्स हम लोग ये फ्रूट अगर खा रहे हैं अंदर में उसका बीज होता है दैट इज सीड एंड बाहर का पार्ट जो हम लोग आराम से खा पाते हैं वो वो किससे बना रहता है वो ओवरी से बना रहता है सो वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट एंड ओवियल डेवलप्स इनटू अ सीड सीड मीन्स बीज सो अभी अगर मैं बात करूंगी एक फ्लैशी फ्रूट का ठीक है सो फ्लैशी फ्रूट पे मेनली टू पार्ट्स होते हैं मेनली टू पार्ट्स पहला होता है पेरिकार्प दूसरा होता है सीड सो फ्लैशी फ्रूट में अगर वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो वो फ्लैशी है सो so,

फ्रूट का वैसा पार्ट जिसको हम लोग खा सकते हैं एंड सीड सीड का मतलब हम लोगों को पता है कि सीड मीन्स होता है बीज बहुत सारे बीज एडिबल होते हैं और बहुत सारे नहीं होते हैं सो अ फ्रूट अ मेनली अ फ्रेशी फ्रूट इट कंजिस्ट ऑफ टू पार्ट्स दे आर पेरिकार्प एंड सीड पेरिकार्प इज़ दैट पार्ट जो एडिबल होता है एंड सीड हम सबको पता है अब अगर वापस से मैं बात करूं ये पेरिकार्प के बारे में बिकॉज थोड़ा और अंदर डीप चलते हैं पेरिकार्प में सो so पेरिकार्प का मेनली तीन लेयर होता है या फिर आप लोग बोल सकते हो कि तीन पार्ट होता है पेरिकार्प फर्स्ट इज कॉल्ड एपी कार्प फर्स्ट वन इज कॉल्ड एपी कार्प जिसको हम लोग आउटर लेयर भी बोलते हैं आउटर लेयर मतलब बाहर वाला लेयर देन सेकेंड इज मीजो कार्प मीजो है बीच वाला लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर थर्ड वन इज एंडो कार्प एंडो मतलब सबसे अंदर सो so वो कुछ इस टाइप से दिखेगा यहाँ पर आप लोग देखो मैं आप लोगों को यहाँ बताई थी ना कि ये पूरा पार्ट जो है मीन बीच को छोड़ के ये जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प कार सो यहाँ पर वही पेरिकार्प को मैं तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करी हूँ सबसे तो पहले देखो मैं ये बाहर का लेयर बनाई हु तो उसको हम लोग बोलेंगे एपी कार कन्फ्यूज मत होना आप लोग बाहर वाला को हम लोग बोलते हैं एपी कार उसके बाद थोड़ा अंदर चलते हैं देखो मिडिल में चलते हैं तो आप लोग कैसे याद रखोगे एम फॉर मिडिल होता है एम फॉर तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो जो बीच वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मीजो कार्प एंड जो जगह फ्रूट के अंदर जहां पर सीड रहेगा जहां पर बीज रहेगा दैट पार्ट पार्ट इज कॉल्ड मतलब सबसे इनर मोस्ट सो आप लोग बोलोगे मैम यहाँ पर आप इसमें सीड लिखे हैं एंड यहाँ पर आप इसमें एंडोकार्प लिखे हैं तो so यहाँ पर ये सीड को मैं एक्चुअल में बता रही हूँ सीड ये वाला जो जगह है ना ये वो जगह है पेरी कार्प का जहाँ पर सीड रहेगा सो so, एंडोकार्प ही वो जगह है पेरी कार्प का जहाँ पर सीड लोम रहते हैं सो so, ये था अबाउट द फ्रूट और पेरिकार्प थोड़ा और है इसके बारे में एज वी हैव रेड दट पेरिकार्प इज मेनली मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स हम लोग पढ़ चुके हैं दे आर एपीकार्प जो कि सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है सेकेंड वन इज मीजोकार्प जो कि मिडिल वाला पार्ट होता है एंड थर्ड वन इज एंडोकार सो वो मेनली प्रेजेंट होता है और हम लोग को वो मिलेगा फ्लैशी फ्रूट्स में मीन्स फ्लैशी फ्रूट्स जो जो बहुत ज़्यादा फ्लैशी रहते हैं जो बहुत ज़्यादा थिक रहते हैं सो so, यहाँ पर वो चीज़ भी मैंशनड है कि फ्लैशी फ्रूट्स में एज द पेरीकार इज मेड ऑफ थ्री लेयर्स तो वो फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा थिक होते हैं एग्जाम्पल मैंगो ले लो प्लम ले लो एट्सट्रा बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स आपके बुक्स में भी प्रेजेंट होंगे दिए होंगे सो इफ़ वी विल टॉक अबाउट ड्राई फ्रूट्स बिकॉज फ्लैशी फ्रूट्स का तो पता चल गया कि उनमें पेरीकार्प का लेयर्स बहुत होता है मीन्स तीन लेयर होते हैं तो वो लोग थिक रहते हैं तो एक चीज़ आप लोग याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि पेरिकार्प का हर जगह या हर फ्रूट में या वेजिटेबल्स में तीन लेयर्स मिलेगा कहीं कहीं पर नहीं मिलता कहीं कहीं पर नॉर्मली वो एक लेयर ही रहता है सो so वो हम लोगों को दिखता है ड्राई फ्रूट्स में सो so ड्राई फ्रूट्स में पेरिकार्प लेक्स थ्री लेयर्स मीन्स पेरिकार्प में थ्री लेयर्स नहीं होते हैं सो so उसमें कौन कौन से आएंगे एग्जाम्पल्स तो so उसमें मैं ग्राम लिखी हूँ बीन लिखी हूँ देखो कुछ वेजिटेबल्स के भी नाम हैं आप लोग देखना आपके बुक्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सो so याद रखना जो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें पेरिकार्क में थ्री लेयर्स प्रेजेंट नहीं होगा वो हम लोग को नहीं मिलेगा देन फंक्शन ऑफ फ्रूट अभी तक इतना फ्रूट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका फंक्शन भी पता होना चाहिए कि फ्रूट का एक्चुअल में क्या काम है फ्रूट क्या करता है सो so फ्रूट का मेन काम होता है देखो हम लोग को पता है अगर ये फ्रूट है फ्रूट के अंदर में सीड होता है तो फ्रूट का क्या काम है वो सीड को प्रोटेक्शन देता है वो सीड को कवर करके रखता है तो वो किससे प्रोटेक्शन देगा ऑब्वियसली फ्रॉम द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन जो एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है मतलब अगर बहुत ज़्यादा धूप है या फिर बहुत तेज हवा चल रहा है जो कि सीड के लिए बिल्कुल अगर अच्छा नहीं है अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो उसको प्रोटेक्शन कौन देता है फ्रूट देता है एज़ वेल एज़ फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो एनिमल से भी वो सीड को बचाता है क्योंकि वो तो फ्रूट के अंदर में है ओके देन इट स्टोर फूड मटेरियल्स ये तो पता है हम लोगों को कि जो फ्रूट होता है वो फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है देन द लास्ट पॉइंट इट अट्रैक्ट एनिमल्स अगर फ्रूट लगा हुआ है कोई भी पेड़ में तो देखो वो एनिमल्स लोग तो ऑब्वियसली वो लोग तो फूड के सर्च में वो लोग फ्रूट्स के सर्च में इधर उधर वो लोग आते रहते हैं अगर उनको दिखेगा कि यस एक पेड़ में बहुत सारे फ्रूट्स हैं तो वो लोग जाके खाएंगे उसको तो सोच लो कि ये एक जगह है ओके यहाँ पर एक पेड़ है इस पेड़ के फ्रूट्स को एनिमल्स लोग खा गए और वो लोग यहाँ से दूसरी जगह में गए सोच लो बहुत दूर आ गए और वो लोग का जो एक्सक्रीटा जो बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसमें वो फल का बीज बाहर आ गया सोच लो वो फल का सीड यहाँ आके जमीन में गिर गया फ्लोर में गिर गया यहाँ पर वो सीड देखो मदर प्लांट ये वाला जो पेड़ है इसके फ्रूट यहाँ थे ये यह यहाँ पर है ये पेड़ का फ्रूट एनिमल खा के कितना दूर चला गया और वहाँ जाके वो उसका अपना एक्सक्रीटा निकाला एक्सक्रीटा में सोच लो उसका सीड निकल गया या फिर सोच लो यहाँ पर एक मंकी आया मंकी इस फल को तोड़ के खाते खाते दूर गया और फल को फेंक दिया उसका बीज उसमें उसका सीड वहाँ पर गिरा सो so, एक जगह से दूसरी जगह अगर सीड स्कैटर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड की चीज़ आप लोगों को पता है सो so, जो फ्रूट होता है ना वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है ता, ताकि एनिमल्स लोग आएंगे एनिमल्स लोग खाएंगे जिसकी वजह से डिस्पर्सल ऑफ सीड्स भी हो जाते हैं सो so, ये डिस्पर्सल ऑफ सीड आप लोग क्लास फाइव में पढ़े हो ये बहुत सिंपल टॉपिक है ओके तो फर्टिलाइजेशन इज़ ऑल्सो ओवर इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज़ जर्मिनेशन सो जर्मिनेशन का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हूँ आई विल गिव हेयर द लिंक आप लोग वो वीडियो को चेक करना एक्चुअली वो जो वीडियो है वो क्लास फाइव के लिए मैं बनाई थी बट वो आप लोगों को भी बहुत हेल्पफुल रहेगा बट इन केस अगर आप लोगों को उसमें से कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हो यू कैन राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आप लोगों को पता है मैं आप लोगों का डाउट्स क्लियर करती हूँ सो आप लोग जर्मिनेशन का वीडियो देख के समझ के पहले आप लोगों को वो देखना पड़ेगा उसके बाद इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी अबाउट द टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन वो पढ़ेंगे बिकॉज अगर आप पहला वाला वीडियो नहीं देखेंगे ना तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो समझ में नहीं आएगा सो so, आज के लिए इतना ही हम लोग करते हैं आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बट इनकेस इसमें भी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो so आप लोग मुझसे पूछ सकते हो थैंक यू